Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. To make money in stock market, need to have the vision to identify this stock, courage to buy this stock, and patience to hold this stock. This quotation was given by Mr. Thomas Phelps, who is a well-known person in stock market. Identifying and investing in multi-baggers is the most effective way to make money in stock market. इसीलिए stock market में invest करने वाला हर इंसान चाहता है कि वो multi-baggers को पहचान सके, multi-bagger में invest कर सके. और जब लोग खुद नहीं identify कर पाते multi-baggers को, इसीलिए लोग इतनी advisory या advices लेना चाहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मल्टी बैगर पहचानना इतना आसान नहीं है. यस, आई एग्री, मल्टी बैगर पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल. एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन दिस कोटेशन एंड अप्लाई दिस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. तो इसीलिए मैंने अपने व्यूअर्स को हेल्प करने के लिए हर वेनसडे को एक मल्टी बैगर सीरीज़ लॉन्च करी, जिसमें मैं रिसर्च करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करती थी, मल्टी बैगर स्टॉक्स, और आप लोगों को बताती थी. उनकी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है. जैसा कि आपने देखा कि इन मल्टी बैगर्स में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं उनके साथ शेयर करूं कि कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक को पहचाना जा सकता है. तो यस, आज का वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई अ मल्टी बैगर स्टॉक. बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफाइड वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. एंड आई होप इसके बाद आप मल्टी बैगर स्टॉक पहचान पाए. इस वीडियो में हम सबसे पहले जो बहुत सारे मिथ्स है मार्केट में मल्टी बैगर्स को लेके, वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल एस्पेक्ट से जो हमें देखना है मल्टी बैगर स्टॉक को पहचानने के लिए. देन वी विल गो ऑन फिनेंशियल एस्पेक्ट जो हमें देखना है मल्टी बैगर स्टॉक को पहचानने के लिए. एट द लास्ट वुड बी द टेक्निकल एस्पेक्ट टू आइडेंटिफाई अ मल्टी बैगर स्टॉक. तो आई रियली फील कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप एक मल्टी बैगर स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए पहचान पाए. लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें, बहुत अच्छे से देखें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव फ्यू रिक्वेस्ट टू मेक. फर्स्ट, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू प्रेस सब्सक्राइब एंड बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ताकि आपके अलावा बाकी लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके, और मुझे भी जब ये जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग बेनिफिट होंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके के वीडियोस लेके आने का. एंड द थर्ड वुड बी, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस आपको दें, तो उसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके हमारे मेंबरशिप प्लान्स रिव्यू कर सकते हैं, एंड आपके हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वो मेंबरशिप प्लान ऑप्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके घर में कोई किड्स है और उन्हें आप एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग प्लस एडुकेटिव चैनल दिखाना चाहते हैं, तो नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है, यू शुड गो ऑन इट एंड एक बार आप चैनल देखिए. अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. मल्टी बैगर स्टॉक. सबसे पहले क्या है मल्टी बैगर स्टॉक? यस, मल्टी बैगर स्टॉक इज अ स्टॉक जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से कहीं ज़्यादा टाइम्स रिटर्न आपको दे. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि खरीदने के एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, एक महीने में आपको कई गुना रिटर्न्स तो नहीं मिल जाएंगे, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में एक कोटेशन बोला, टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट यू नीड टू हैव द विजन टू आइडेंटिफाई. आपको एक समझ चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे पोटेंशियल स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, जो मैं आपको हेल्प करूंगी आज के वीडियो में. सेकेंड चीज, करेज टू बाय. वो आपको खुद आएगा जब आप खुद रिसर्च करोगे, आप समझने लगोगे, आपको ट्रस्ट डेवलप होगा, तो आप अपने आप उतना पैसा लगा के उस स्टॉक को बाय करोगे. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत मुश्किल से लोगों में आती है और जो ये सीख जाता है,
वही स्टॉक मार्केट में एक्चुअल टर्म्स में वेल्थ क्रिएट कर पाता है. एंड दैट इज पेशेंस टू होल्ड. आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है, आपको स्टॉक्स को रख के भूल जाना है. अगर स्टॉक मार्केट में ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन इन्वेस्टमेंट है, तब ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. आई नो इट इज़ वेरी टफ, लेकिन इफ़ यू डू इट तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा. आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आप अपने किड्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर द मोस्ट फेमस मिथ्स रिगार्डिंग मल्टीबैगर. फर्स्ट में जनरली लोगों को लगता है कि जो स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास में है, वो स्टॉक एक बहुत अट्रैक्टिव बाय है, वो एक मल्टीबैगर बन सकता है. तो ये एक मिथ है. रियलिटी क्या है कि जो स्टॉक अपने 52 वीक लो पर है, वो क्यों उस लो पर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका जो 52 वीक लो है, वो अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम है इस वजह से है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, वो मल्टीबैगर नहीं बनेगा. तो उसका ग्रोथ डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि वो क्यों उस 52 वीक लो पर है. सेकंड जो मिथ है वो है कि जितने भी सस्ते स्टॉक्स होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं पैनी स्टॉक, जो बहुत ही कॉमन है, जो लोग मल्टीबैगर ढूंढते हैं उनमें बहुत कॉमन एक है कि हम एक मैम, मुझे भी बहुत कमेंट्स मिलते हैं, मैम एक पैनी स्टॉक पे वीडियो बनाओ, पैनी स्टॉक जो मल्टीबैगर बन जाए उस पे वीडियो बनाओ. तो जितने भी सस्ते स्टॉक है या पैनी स्टॉक है वो मल्टीबैगर बन सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है. रियलिटी क्या है, स्टॉक जितना सस्ता है, जितना ईजी है आपके लिए खरीदना, उतना ही ज़्यादा रिस्की है. जितना सस्ता स्टॉक होगा और आप बिना रिसर्च के लोगे, आप अपना पैसा उतना ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. हो सकता है वो मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन हो सकता है कि वो डीलिस्ट ही हो जाए, मतलब स्टॉक मार्केट से हट जाए या लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगने लगे, आप उसे बेच तक ना पाओ, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तक आपको वापस ना मिले. तो ये जो पैनी स्टॉक्स होते हैं, जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है. और इसमें इन्वेस्ट करने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो, आप अपनी अच्छे से रिसर्च करो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उसके अलावा अगर आपका कोई एडवाइज़र है उससे पूछो और उसके बाद रिस्क लो. और आप बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट इनमें मत करो. अगर आप कोई 10 रुपये का शेयर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके 10 लाख शेयर ले लो, 50 लाख शेयर ले लो, आप बहुत बड़ा अमाउंट फंसा दो. मल्टीबैगर जो ये एकदम सस्ते वाले, जो एकदम पैनी स्टॉक जिसको आप बोलते हो ना, उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना होना चाहिए कि अगर एट रिस्क, अगर आपका वो पैसा डूब भी जाए ना, तो वो आपको पिंच ना करे, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना करे. थर्ड मेथ है पिकिंग अ मल्टीबैगर और आइडेंटिफाइंग अ मल्टीबैगर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रियलिटी इज इट इज टफ, इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनता है, क्या फंडामेंटल्स हैं, कैसे कंपनी मल्टीबैगर में कन्वर्ट हो सकती है, इस चीज़ का नॉलेज लेके एक अच्छी रिसर्च करोगे, तो आप डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्ट कर पाओगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. द फर्स्ट क्राइटेरिया, फंडामेंटल एनालिसिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इसको बहुत ईजी तरीके से समझते हैं. प्रोसेस क्या है, आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, आप उस कंपनी के जो ओनर हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, राइट. तो यहाँ पर पार्टनर रिप्लेस हो गए प्रमोटर से. अगर आप किसी पार्टनरशिप में, किसी बिजनेस में जाते हो, तो प्रॉफिट कमाने के लिए, उससे पैसा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कि वो बिजनेस ग्रो करे, उसमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट. ये प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, एक कि जो आपका पार्टनर है वो अच्छा हो, क्रेडिबल हो, उसके एथिक्स अच्छे हो, वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका इंटेंट हो वो प्रॉफिट आपके साथ शेयर करने का, कोई धोखा ना करे, कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग रखे, राइट. ये सारी चीज़ें आपको प्रमोटर के लिए भी देखनी है कि प्रमोटर कैसा है. प्रमोटर की अगर कोई और कंपनी है तो उसमें क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या वो किसी स्पैम में, फ्रॉड्स में इसमें इन्वॉल्व्ड है, क्या पहले कोई ऐसे कंपनीज उसने करी है जिसका आईपीओ लिस्ट कर दिया और फिर उसे डीलिस्ट कर दिया कंपनी को. उसके अलावा
क्या वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है स्टॉक में या फिर कम करते जा रहा है, क्या उसने प्लेजिंग कर रखी है या नहीं, उसने पूरे शेयर्स खुद ही होल्ड कर रखे हैं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी लिस्ट हुए टाइम हो चुका है तो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये आपको सबसे पहले अपने पार्टनर की, प्रमोटर की ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। इसके बाद आएगा कि कंपनी ग्रो करे। कंपनी ग्रो करे ये आप कैसे जज करोगे? सबसे पहले हमें पता है कि मल्टीबैगर बनने में टाइम लगेगा, हमें शेयर को होल्ड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब जो कंपनी है उसे भी आज ही सिर्फ ग्रो नहीं करना है, फ्यूचर में भी ग्रो करना है। तो उसका जो वर्किंग मॉडल है, उसका जो आइडिया है, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आज के एनवायरनमेंट के साथ साथ आने वाली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर वो काम कर रहा है या नहीं, उसकी R&D टीम कैसी है, उसका जो आइडिया है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि बिजनेस में कस्टमर इज द किंग, तो उसका कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, रिपीट ऑर्डर्स है या नहीं है, प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है या नहीं, अगर सर्विस सेक्टर में है तो उसकी सर्विस डिलीवरी अच्छी है या नहीं, कस्टमर एट द एंड शुड बी सेटिस्फाइड। जो कंट्री की इकोनॉमी है वो इस बिजनेस मॉडल को सपोर्ट कर रही है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है या नहीं, उसको जो कई ऐसे बिजनेस हाउसेज होते हैं कि जो गवर्नमेंट चेंज होने से वो अफेक्ट होते हैं, तो किस तरीके का बिजनेस हाउस है, क्या वो गवर्नमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम बना पा रहा है या नहीं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। क्योंकि कितना भी अच्छा आइडिया हो, अगर आपके लोगों को, अगर आपके कस्टमर्स को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता वो मॉडल, उसे अल्टीमेटली फेल होना है। सो दिस वॉज द फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक्स जो हम सबको पता है कि हमें ये देखना चाहिए। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं? कंपनी की हाई अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए। क्यों? जो प्राइस है उसके प्रोडक्ट्स का इज अ मल्टीपल ऑफ अर्निंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, अर्निंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी। If valuation multiple growth happens, then obviously the profitability of the company increases. So this is a very important parameter. Second, जो profitability ratios है company के वो improve होने चाहिए। अगर company पहले से listed है, उसका data available है, तो आप देखिए पिछले 2 साल में 3 साल में उसके profitability ratios improve हुए हैं या नहीं। क्या है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो बेसिक टर्म्स मैं यूज़ करूँ और आपको समझ में नहीं आए तो ऊपर मेरा बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट की उसके लिए वीडियो है, आप प्लीज़ वो देख सकते हैं। तो ROE, ROCE, फ्री कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें इसकी इंक्रीज होनी चाहिए। हाउ इट अफेक्ट? जब मार्जिन प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन, या फिर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी कंपनी की, इन दो केसेस में ये रेशियोज इंक्रीज होंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप मार्जिन अच्छा रखोगे तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर आप जो आपकी अवेलेबल रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल, उसको एफिशिएंटली यूज़ करोगे तब भी आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तब भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दोनों ही केसेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बढ़ेंगे, लाइक ROE एंड ROCE। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर एज वेल एज फाइनेंशियल फैक्टर। आपको दोनों एस्पेक्ट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी का देखना है। इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज है जिनका हो सकता है कि प्रेजेंट फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट गुड, बट उनमें टर्न अराउंड का पोटेंशियल है। मतलब अभी तक की उनके जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे नहीं है, बट वो अपना वर्किंग मॉडल चेंज कर रहे हैं, उसका प्रमोटर चेंज हो गया है, किसी और ने खरीद ली है, वो अपना बिजनेस लाइन चेंज कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर जो नया मॉडल है, जो नया ओनर है, इफ दैट इज वेरी डायनामिक, अगर आपको लगता है कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो कंपनी डेफिनेटली अपने जो कम वैल्यूएशंस थे, कम रेट थे, उससे टर्न अराउंड के बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है। बेसिक, चाहे वो मल्टीबैगर हो, चाहे दूसरे स्टॉक हो, इन्वेस्ट करने के पहले आपको ये तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी का जो डेट है, जो उधारी है, वो कम से कम हो, क्योंकि उससे इंटरेस्ट लायबिलिटी कंपनी की बढ़ती है। जो प्रॉफिट्स उसका होगा वो डेट को चुकाने में चला जाएगा, तो शेयर होल्डर कम बेनिफिट हो पाते हैं। उसके अलावा क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस अच्छी होनी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, EBITDA अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक्स है जो हमें पता है, बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है। नाउ थर्ड एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में द फर्स्ट वुड बी स्टॉक्स विथ लो PE ratio।
यस, आपकी स्क्रीन पर ग्राफ है विच शोज कि द स्टॉक्स विच वर हैविंग पी रेशो लेस, उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए. पी रेशो, इसीलिए जब भी मैं अपना कोई वीडियो बनाती हूँ स्टॉक एनालिसिस पे तो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री पी से भी अगर पी रेशो ज़्यादा है इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है. जनरली जो रिनाउंड स्टॉक्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू उनका पी थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से हायर ही होता है. बट ये जो हम छोटे सस्ते मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रहे हैं इनका ओवर वैल्यूड पी में तो हमें कभी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए. ब्लू चिप स्टॉक्स ही सिर्फ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी अगर ज़्यादा है तब भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए जिनका पी हाई है अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. द सेकेंड क्राइटेरिया इज स्टॉक्स विथ लो पी बी रेशो. अगेन ऑन योर स्क्रीन ग्राफ है, जितना पी बी रेशो कम है लेस देन वन है उन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर 10 ईयर्स स्पैन ऑफ टाइम. थर्ड क्राइटेरिया है स्टॉक्स विथ लेस प्राइस इन रिलेशन टू लिक्विडिटिंग वैल्यू. अगेन ग्राफ इज ऑन योर स्क्रीन, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स ये देगा. नाउ द फोर्थ क्राइटेरिया, ये कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम पी रेशो को ज़्यादा वैल्यू दे या पी वी रेशो को ज़्यादा वैल्यू दे, तो इसलिए बेंजामिन ग्राहम ने एक मैजिक मल्टीपल निकाला. उन्होंने पी ई रेशो एंड पी बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 22.5x स्टैंडर्ड नंबर लिया उन्होंने. मतलब पी उन्होंने लिया 15, पी बी उन्होंने लिया 1.5, जो मैक्सिमम अगर होगा तो इन्वेस्ट करेंगे अदरवाइज नहीं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 22.5. तो दिस इज दिस मैजिक मल्टीपल. अगर इससे पी रेशो और पी बी रेशो को जब आप मल्टीप्लाई करो अगर 22.5 से कम वैल्यू आ रही है तो उन स्टॉक्स में ग्रो करने का पोटेंशियल, मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. अगर 22.5 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उनमें पोटेंशियल कम है. सो दीज वर द थ्री वेज, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स. लेकिन कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे, तो वहाँ आपकी रिसर्च, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग काम में आएगी. कहाँ किस स्टॉक पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, ये थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है. ये अगर आपने ठीक तरीके से कर लिया तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस स्टॉक में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल है. ध्यान रखना है तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है. कभी भी आप पैनी स्टॉक, सस्ते स्टॉक की वजह से लालच में मत आइए. डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम फर्स्ट डे. इन्वेस्ट करके यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट, तभी कोई भी स्टॉक रिटर्न्स देगा. एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए बहुत सारी तरह की न्यूज़ होती है. कुछ न्यूज़ होती है जो होती है नॉइज़, और कुछ न्यूज़ होती है वो होती है स्ट्रक्चरल चेंज पोटेंशियल न्यूज़. क्या डिफरेंस है? नॉइज़ वो न्यूज़ होती है जो इवेंचुअली स्टॉक पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, तो आपको नॉइज़ को इग्नोर करना है. लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो स्टॉक की परफॉर्मेंस पे, कंपनी की परफॉर्मेंस पे स्ट्रक्चरल चेंजेस ला देती है, एकदम से कंपनी की परफॉर्मेंस को चेंज कर देती है. तो आपको अलर्ट रहना है. अगर आप किसी मल्टीबैगर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, 5 years, 10 years, 15 years, तो आपको उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसमें आपको यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू शुड बी केपेबल टू आइडेंटिफाई क्या नॉइज़ है, क्या पोटेंशियल स्ट्रक्चरल चेंज न्यूज़ है. सो आई होप आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करके बहुत अच्छे मल्टीबैगर्स पिक कर पाएंगे, बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए. अगर रेकमेंडेशंस आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये सारे रिसर्च करके आपको अच्छे अच्छे मल्टीबैगर्स दें, तो नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके हमारी मेंबरशिप रिव्यू करके आप अपने अकॉर्डिंगली मेंबरशिप चूज़ कर सकते हैं. किस चैनल आप देखना चाहते हैं, नीचे वरिधि स्टाइल शो का लिंक है. आई थिंक आई हैव यू नो आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेरी आपको है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज़ मुझसे पूछिए. थैंक यू सो मच.